मूवीज और सीरियल्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सालों में एक आध ऐसी फिल्म या सीरियल आ जाता है जिसका हर एक किरदार अमर हो जाता है। और ऐसा ही एक सीरियल बनाया था रामानंद सागर ने, रामायण का। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रामायण में 10 सिर वाला रावण जो है, इसका किरदार पहले अमरीश पुरी, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी विलेन रह चुके हैं, वो करने वाले थे। इनफैक्ट रामानंद सागर ने जब रामायण की पूरी टीम बना दी थी, अरुण गोविल, दीपिका, इन सबको जब सेलेक्ट कर लिया गया था, तब एक ओपिनियन ली गई थी स्टार कास्ट से कि रावण की कास्टिंग में किसको कास्ट करें। तो ऐसे में सबका ओपिनियन एक ही आया था कि अमरीश पुरी साहब। रावण अगर कोई निभा सकता है रामायण में तो वो अमरीश पुरी ही है, और वो ही पहली चॉइस थी। तो अमरीश पुरी साहब को अप्रोच करने की सोची जा रही थी। वैसे उस दौरान अमरीश पुरी बहुत बिजी थे, वो उनके करियर का पीक टाइम था, साल की 10-10 फिल्मों में वो काम करते थे। भले ही रोल छोटे मड़े हो, लेकिन अमरीश पुरी उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे, और रामानंद सागर प्लानिंग कर रहे थे अमरीश पुरी को अप्रोच करने की। उसी दौरान रामायण जैसा एक सीरियल बन रहा है, इसकी चर्चा पूरी इंडस्ट्री में थी। इनफैक्ट रीजनल इंडस्ट्री में भी इस बात की चर्चा थी। और ऐसे ही गुजरात इंडस्ट्री में जब पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और उसके लिए उन्हें काफ़ी एक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे किरदार होने वाले हैं, तो ऐसे में एक गुजराती एक्टर जो कि गुजरात में थिएटर करते हैं और काफ़ी प्लेस कर चुके थे, उन्हें इस बात की खबर लगी, और वो रामायण का एक कैरेक्टर केवट के लिए गुजरात से मुंबई आए ऑडिशन देने के लिए। ये एक्टर थे अरविंद त्रिवेदी, और अरविंद त्रिवेदी रामायण में केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देने गए थे। लेकिन तब उनकी एक्टिंग से ज्यादा रामानंद सागर ने उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज में रामानंद सागर को कुछ अलग बात नजर आई, और यही कारण था कि तब रामानंद सागर ने लगे हाथों अरविंद त्रिवेदी को एक और स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा। ये स्क्रिप्ट रावण के किरदार की थी, क्योंकि रामानंद सागर को अरविंद त्रिवेदी की बॉडी लैंग्वेज डेविल रावण के जैसी नजर आई थी। जैसा रावण वो सोच रहे थे, वैसी बॉडी लैंग्वेज उन्हें मिल गई थी। लेकिन क्या अरविंद त्रिवेदी रावण की तरह बोल पाएंगे? क्या उस तरह का जोर अपनी आवाज में दिखा पाएंगे? यही कारण था कि तब उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई। ये रावण की स्क्रिप्ट थी, और ये स्क्रिप्ट उन्हें रीड करने को कहा गया। अरविंद त्रिवेदी ने बैठकर रावण की स्क्रिप्ट को सबके सामने पढ़ा, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जब वो रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे, तब सब चुप हो गए, सब सन्न रह गए। कुछ ऐसा समा बांधा उन्होंने इस रावण की स्क्रिप्ट में कि रामानंद सागर अरविंद त्रिवेदी को देखने के बाद किसी और को रावण के रूप में सोच ही नहीं पाए। और यही वो टाइम था जब उन्होंने अमरीश पुरी का आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, और अरविंद त्रिवेदी जो कि केवट के किरदार के लिए आए थे, उनको रावण के रोल के लिए कास्ट किया। और वाकई में अरविंद त्रिवेदी ने इस रोल को अमर कर दिया। जैसे रावण वो बने हैं, वैसे रावण कोई भी नहीं बन पाए, फिर भले ही रावण नाम की फिल्में ही क्यों ना बनी हो। लेकिन जो अरविंद त्रिवेदी ने रावण बनकर कहर बरपाया था, और जिस तरीके से इस कैरेक्टर को हैंडल किया, वैसा आज दिन तक कोई भी बॉलीवुड एक्टर नहीं कर पाया है। यही कारण है कि जो रामायण सीरियल है, इसका हर एक किरदार जो है वो वाकई में अमर है, क्योंकि उस तरह की पेशेंस वाले किरदार अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेयर ही मिलते हैं।